आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी आई हैं। हम सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय हमारे प्रभारी रंधावा साहब, आदरणीय सीपी जोशी जी, आदरणीय हमारे सचिन पायलट साहब, ममता भूपेश जी, तमाम मंत्री, विधायक, संगठन के लोग, हमारे सह प्रभारी राठौड़ साहब, हमारी बहन अमृता धवन जी, तमाम आदरणीय बुजुर्गों, युवा भाइयों, माताओं, बहनों और पत्रकार बंधुओं, आदरणीय प्रियंका जी ने आज आकर के हमारी इस ऐतिहासिक सभा को सफल बनाया। हम उनको सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने दो बार पिछले चुनाव से पहले प्रदेश के लोगों के साथ ये वादा किया था कि हम अगर केंद्र की दोबारा 2019 में सत्ता में आए तो हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि यहां राजस्थान का जल संसाधन मंत्री होते हुए भी देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान की जनता के साथ में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का वादा करने के बावजूद भी अपना वादा नहीं निभाया है। ये वादा खिलाफी के खिलाफ, उनकी इस वादा खिलाफी के खिलाफ ये राजस्थान कांग्रेस कमेटी आपके नेतृत्व में, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में, हम प्रियंका जी यहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जाएगा, हमारी सरकार की अच्छी योजनाओं का बताएगा, क्योंकि हमने काम शानदार किए हैं। चाहे कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बात हो, किसानों के कर्जे माफ की बात हो, किसानों के लिए बिजली के बिल की माफ की बात हो, चाहे पेंशन सोशल सिक्योरिटी में बात हो, 25 लाख की स्वास्थ्य की जो योजना हो, 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा हो, मैं समझता हूं कि इंदिरा रसोई की बात हो, तमाम वो सारे के सारे काम हमने जो जनता के दिल में था वो काम करने का काम राजस्थान की हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा बब्बर शेर की तरह गांव गांव जा रहा है, ढाणी ढाणी जा रहा है और बता रहा है कि आप बताइए कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो वादे किए थे, चाहे वो महंगाई कम करने का वादा किया था, चाहे वो बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, चाहे किसानों की दुगनी आमदनी करने का वादा किया था, वो वादे नहीं निभाए, उल्टे 3 काले कानून ला करके किसान को खून के आंसू रुलाने का काम किया। लेकिन उल्टे हमारी सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए का कर्जा भी माफ किया, और जिस ईआरसीपी हम आज बात करने के लिए आए, जो केंद्र की सरकार हमें वादा खिलाफी कर रही है, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना नहीं बना रही है, उस ईआरसीपी की योजना को हमारी सरकार ने दोनों बजटों में 23,000 करोड़ रुपए बजट देकर के चालू करने का वादा निभाने का काम किया है। एक तरफ केंद्र की वो मोदी सरकार है जो वादा खिलाफी करती है, जो 9 साल पहले जो वादे किए थे न उनको पूरा कर रही है, न किसान का ध्यान में है, न माता बहनों का ध्यान में है, केवल झूठे वादे करके वोट की फसल काट करके राजनीति कर रहे हैं। आदरणीय प्रियंका जी, जब आप टोंक में निवाई में आई थी उसके बाद में एक वातावरण बना है, हमारी माताएं बहनें कह रही हैं कि अब की बार 2023 का चुनाव हम माता और बहनें प्रियंका जी की बात के ऊपर मोड़ लगा करके राजस्थान में ऐतिहासिक समर्थन के साथ में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, और 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये मान के चलना 2024 में मोदी सरकार का दिल्ली से तख्ता पलट होगा, इस बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, ये मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। आज आप सब लोग प्रियंका जी को सुनना चाहते हैं, हम सब लोग प्रियंका जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, केवल एक बात करूंगा कि हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, हम एकजुट हैं, एक साथ हैं, और सत्ता और संगठन ने समन्वय के साथ मिलकर के काम किया है। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बिखरी पड़ी है, इनके जो चेहरे फीके हो गए 10 साल में, जो सांसद उनको उतार करके वो केवल 2023 की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, उनको पता है 2023 में नहीं जीतेंगे, केवल और केवल
अपनी 2024 की एंटी करप्शन को खत्म करने के लिए ये इस तरीके की लिस्टें जारी कर रहे हैं। भाई और बहनों, हमको गांव गांव ढाणी ढाणी जाना है, एक मिनट भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमारे पास में योजनाएं हैं, हमारे पास में बूथ लेवल अध्यक्ष से लेकर के संगठन खड़ा हो गया है, हमारे पास में नेतृत्व है। खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। प्रियंका जी आई हैं, मैं चाहता हूं कि माननीय प्रियंका जी आप 25 तारीख को फिर राजस्थान में आकर के धूम मचा दें। और मैं कहना चाहता हूं, ये राजस्थान हम हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जीत करके आपकी झोली में डालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।